हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बढ़िया होंगे। आज तो शुरू हो रहा है नवरात्रि का पहला दिन, जो कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मनाई जाती है। हम लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। तो हमने नहा धो के अपने पूजा की तैयारियाँ कर ली है और दिखाते हैं इस तरह कैसे माता रानी है। अभी बैठ कर हम करेंगे पूजा, जिसमें से अभी सब लोग लेट में सो रहे हैं। हम थोड़ा जल्दी उठ के पूजा के लिए तैयारियाँ कर चुके हैं और अभी हम करते हैं पूजा। तो आप सभी की नवरात्रियाँ मंगलमय हो, सभी की मनोकामना भगवान पूर्ण करें, दुर्गा माँ सबकी रक्षा करें, सबको तरक्की दें, सारे संसार को सुखी रखे, यही हमारी कामना है। बनाएंगे मखाने और चाय। मेरा कल बात चाय नहीं है, तो आज हम लोग गाइस आज हम लोग पियेंगे चाय और खाएंगे मखाने, क्योंकि व्रत में ऐसी ही चीजें खानी चाहिए। और बिना कुछ खाए तो नहीं रह पाते हैं, थोड़ा सा तो खा लेकिन वो नहीं खाते हैं। तो व्रत किस बात में है? अगर अच्छा थोड़ा सा तो खाना पड़ता है ना, आलू और वो सब कुट्टी का आटा और ये सब नहीं खाते हम लोग। हम लोग सिर्फ खाते हैं मखाने, खाते हैं हमारी चाय बन जाएगी और मखाने बन जाएंगे, फिर आपको चाय पिलाते हैं और मखाने खिलाते हैं। तो गाइस आप लोग भी हमारे यहाँ से हमारी चाय और आपको इससे छोटी गैस नहीं मिली थी? छोटी वाली मैंने गैस रखी है, वो भी यहाँ पे रखी है। अच्छी लग रही है ना, अच्छा हो गया। गैस हमने छोटा सा प्लांट अपने किचन में रखा हुआ है और सामने ये हमारी विंडो है, जिससे धूप बहुत अच्छी से आती है और खाना बनाने में बहुत मजा आता है। तो गैस आइएगा आप लोग और हम खिलाएंगे आप लोग को अपने किचन में बना के खाना सबको। यात्रा तुम जाके नहा लो, तब तक हम मखाने वो कर देंगे। तुम्हारा तो फास्ट है नहीं बेटा, जल रहे हैं सब है। और फिर चाय बना लेते हैं, पापा जी को दे देते हैं क्योंकि जाना है उनको। ठीक है, थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं विंडो ताकि धूप आ जाए अच्छे से घर में। और इस तरह से तो गाइस हमारी चाय बनना शुरू हो गई है और मखाने मैंने तल लिए हैं, बन रही है चाय और चाय पीते हैं अभी। और आज का स्टार्ट करते हैं व्रत। गाइस ये हमारे यहाँ नारियल तोड़ा जा रहा है, पहले निकाला जाएगा इसका पानी ताकि सब जगह फैले ना, सब जगह फैलाना नहीं चाहिए नारियल का पानी ना, थोड़ा सा चिपचिपा होता है, पहले अच्छे से ग्लास में निकाल लेना चाहिए, इसके बाद तोड़ना चाहिए नारियल। ये देखिए
ये प्रोसेसिंग चल रही है। कितना सारा पानी है इसमें ना, है भाई साहब, ऐसा लग रहा है भरा गया है। देखो कितना डगडग 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 निकल रहा है, बहुत सारा निकल गया। ये है साफ सुथरा पानी है, है? उसके अंदर क्या है, कोई गंदगी होती है क्या? कृष्णा लाया है नारियल, यात्रा कह रही है हम नहीं लेंगे भैया, कृष्णा से लेना कह दो, चीज़ अच्छी ले लेता है ना। जन्म जन्म नहीं अगले जन्म नहीं छोड़ेंगे ना हम तेरा सा साथी मरते हैं। नारियल टूटने को तैयार है, तोड़ दिया एक बार में, नहीं नहीं कैसा निकला देखें, गुड। ये गाइस देखिए हमारा नारियल इतना अच्छा निकला, इतना अच्छा निकला, बहुत सुंदर, अति सुंदर। कहते हैं नारियल अच्छा निकलता है तो अच्छा होता है, शुभ होता है। अब देखते हैं हमारे यहाँ क्या शुभ होने वाला है, है ना। जब भगवान जी में रख के आओ, सबसे पहले हम लोग चढ़ाएंगे भगवान जी को, इसके बाद हम लोग इसका प्रसाद लेंगे सारे लोग। खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा निकला। प्लेट दे लो, ये लो इसमें रखो, एक छोटा सा रख लो, बस एक नारियल थोड़ा सा रख दो भगवान जी में, बस पूरे थोड़ी नहीं रखने हैं। तो गाइस बनकर तैयार हो गई ये चाय, अब ले चलते हैं इसको नीचे, हैं भगवाना यात्रा चाय से यही हमने रख दिया है। बाल्टी ले लेना बेटा, ये रखी है, देखो ये बाल्टी रखी है, ठीक है। गरी उठा लो या तो गरी लेते, इधर मुँह करो, पेट कैसे खराब हो गया, इधर मुँह करो, गाना सुनाओ, चुप रहो यात्रा, पास कर गए और तेज। वो भी आ गया सुनने, को तो डंडा लेके आए इधर, अच्छा पहले रोज पियोगे, रोज पियोगे, कल भी बुलाएंगे, ठीक है रोहन, मजा आया, मजा आया, अब रोज आएगा, रोज वो अब पता है रोज आएगा पीना रोज, अब और सही में इनको रोज ऐसे पीने को मिले ना सेहत बन जाएगी। जो यहाँ पे पिया गया है ना उसका मजा ही अलग था, है ना। उससे बोलते हैं भैया रोज आना, बोल देना जाओ, बोल लिया कह दो भैया रोज आना, अब देखो ये जा रही है लगता है पीने, आज उसका, आज उसका बन गया बढ़िया। हाँ नहीं नैतिक की चाची, नैतिक की चाची है, मम्मी है, दादी होंगी उनके मम्मा, वो जो दादी है ना, दादी जो टहल रही थी। आज पूरी
कृष्णा, ए कृष्णा पी लो जितना पीना हो आज, 10-20 गिलास पी लो। आयुष्मान आओ, मजा आ गया। आयुष्मान मजा आ गया। आयुष्मान थी तो पूजा में हम लोग चले गए थे, फिर हम लोगों ने थोड़ी देर पूजा में एंजॉय किया। मुझे देखिए कितना अच्छा सजा हुआ है यहाँ पे, लोग डांस करने लगे यार, इन लोगों को डांस करने में इतनी मजा आ रही है। Thank you.